ठीक है साहब, पार्टीशन के टाइम पे हमारे जो 150 जो मिलियन 15 करोड़ से ज्यादा जो हमारे यहाँ पे मुसलमान भाई हैं, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं ठहर गए। बिकॉज जो भी कुछ रीजन हो कि शायद उनमें विश्वास था कि यहाँ वो रह सकते, यहाँ उनका कत्ल गारत नहीं होगा। इसी डर से, नहीं तो जिसका कत्ल होने वाला होता है वो रह जाता, वो रह जाता है। उसको उम्मीद थी कहीं, नहीं यार इतने गए लोग नहीं है इस देश के, वो रह गए। उनमें से कई कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद परमवीर चक्र मरणोपरांत, ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र मरणोपरांत, इन लोगों ने कुर्बानी दी। आप मुझे बताइए, इफ यू लेट 5 मिलियन मुस्लिम्स ऑफ द वैली गो ओनली ऑन द बेसिस दैट दे आर मुस्लिम्स, व्हाट राइट विल यू हैव टुमारो टू हैंग ऑन टू 150 मिलियन इंडियन मुस्लिम्स लॉयल सिटीजन्स, बताइए। लेकिन यहां पे बिल्कुल सही कहा मेरे भाई ने, प्रोफेसर साहब ने बिल्कुल सही कहा, यहां एक तबका है, अब बिका हुआ है या क्या उसको तकलीफ है, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे राजतंत्र में, विच इज बेंट अपॉन गिविंग कश्मीर, दे देना चाहता है। लड़ के मर गए हमारे लड़के, अरे तुम उन लड़कों की जान वापस दे सकते हो? अरे तुम उन विधवा को उसका आदमी वापस दे सकते हो? उस अनाथ को उसका बाप वापस दे सकते हो? 10,000 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं, और यहां तो साहब की कैसे दिया जाए, कैसे फैसिलिटेट किया जाए? मैं हवा में नहीं बात कर रहा, मैं जम्मू की पैदाइश हूं, आई एम इक्वली स्टेट सब्जेक्ट, और कोई ना मुझे बोले कि मेरे को बोलने का हक नहीं है, तुमसे ज्यादा हक है, ठीक है साहब। और मैं आपको बताता हूं, मेरी पूरी जिंदगी वहां लड़ते लड़ते गुजर गई है। और जब मैं किश्तवाड़ में सेक्टर कमांडर था, ये तो बिचारों ने आज बताया कि किस तरह लीगल तरीके से, किस तरह गवर्नमेंट फियाट से पटवारियों के रास्ते वो जो है वहां पे आप एक कॉलोनाइजेशन कर रहे हैं, आप डेमोग्राफिक चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 से 2002 के एंड तक मैं वहां पे सेक्टर कमांडर था किश्तवाड़ में, और मेरे सामने मैंने वहां जाके कैंपेन शुरू किया। मैंने कहा मेरे प्यादा नहीं, मेरे को चाहिए, किसी प्यादे की लाश नहीं चाहिए। एक प्यादा मरता है, 10 बेचारे बच्चे को वहां से कोई खड़ा करके ले आता है क्रिकेट के बहाने। मुझे उनके टॉप कमांडर चाहिए, मुझे खासतौर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए हैं। ये कोई रंडी खाना है? ये कोई रंडी खाना है? नहीं आ सकते तुम मेरे घर में बगैर पासपोर्ट बगैर वीजा, आओ तो सालों तुमको पहुंचाएंगे, गाड़ के रखेंगे तेरे को। हमने मारने शुरू किए, सारे चुन चुन के पाकिस्तानी डिविजनल कमांडर, डिस्ट्रिक्ट कमांडर, तहसील कमांडर, ढेर लगा दिए साहब वहां लड़कों ने भी, पीछे पड़ गए दांत भींच के। मैंने कहा मैं भी नहीं तुमको छोड़ूंगा जब तक तुम नहीं करोगे तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा नमक का हक अदा करो, मारो इनको जिसके हाथ में हथियार है। बी नाइस टू द पीपल, बी नास्टी टू द टेररिस्ट, समझ गए? मुझे आवाम से कोई लड़ाई नहीं, मुझे लड़ाई है इनसे जिसके हाथ में कलाशनिकोव है, तो मारे। तो मुझे बोला गया बख्शी साहब तेरे को देख लेंगे, ये मैसेज आया पार से, सोर्सों के थ्रू बताया गया बख्शी साहब देख लेंगे। मैंने समझा बख्शी साहब के ऊपर कातिलाना हमला होगा, मैंने कहा यार है इतना माँ का दूध पिया साले, जगह बता, टाइम बता, मैं आ जाऊंगा अपनी फौज के साथ। वैसे भी तुमको ढूंढता रहता हूँ, मैं हाथ नहीं चढ़ते हो मेरे, तो आ जाओ बताओ। मैंने आई टोल्ड माई डिप्टी कमांडर कि थोड़ा टाइट कर लो सिक्योरिटी, टेल द बॉयज टू बी दिस थिंग, बोलो अच्छा है, ढूंढ ढूंढ के लिए जिसको मरे जा रहे हैं खाक की लाइक डीड लेना हेस्ट है, खुद चल के आ जाए तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी किसी कमांडर को। मैं ठीक है, मेरे पे हमला नहीं हुआ साहब, मैं 24 घंटे वहां घूमता रहता था, मैं हार्डली आई हैव स्टेड इनसाइड दैट हेडक्वार्टर, हफ्ते में 3 या 4 दिन बाहर मेरा ऑर्डर्स थे मेरे लड़कों को कि आई विल बी गोइंग अराउंड, मेरे पे कोई हमला नहीं हुआ। हमला हुआ साहब, एक गाँव है पति महल, हाँ पति महल गाँव है, बस में बेचारे हिंदू वहां के जा रहे थे, पांचों को नीचे नाम बोलो, तुम इधर ले जाके उनको ऊपर नाले में ले गए पति महल, और 5 मार डाले, एक छोटे बच्चे को छोड़ दिए, जाके बता देना बख्शी साहब को, बता देना
बख्शी साहब को, तू दादा इधर पे दादागिरी दिखाएगा, ये करेंगे ये हाल। पांच साहब उस गांव में मारे, बवाल खड़ा हो गया, ये क्यों कैसे। उस वक्त अपने अडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, वहां से दबाव पड़ा, डंडा पड़ा नॉर्दर्न कमांड को। तो नॉर्दर्न कमांड को मैंने बोला मेरे पास तीन पलटनें थी, है आपने एक पलटन हटा ली डिस्पाइट माई रिटन रिक्वेस्ट की साहब मत करिए, मत अनकवर करिए किश्तवाड़ को। आपने बोला नहीं रोड ज्यादा जरूरी है, तुम शटअप। मैं कहता मैं शटअप हो जाऊंगा, और अब मैं उतना ही दोषी हूं शटअप को मानने का, मैंने रिजाइन नहीं किया, इसलिए कि यहां लड़ना जरूरी है। मैं रिजाइन करूंगा, कोई नया बंदा आएगा एक साल तो समझने में लगेगा। तो एनीवे एक हफ्ता हुआ साहब, टागूड गांव है, जानते हैं आप सब वहीं के, टागूड गांव है, आठ मार डाले, फिर बवाल, फिर ये मैं भी वहां पहुंच गया, ये किया वो किया, बारिश पड़ चुकी थी। और क्या करते थे कि वो बंदे को ऐसा छोड़ते थे कि 28 से 32 घंटे 48 घंटे बाद खबर पहुंचे किश्तवाड़, तब तक कुत्ते भी लेके जाओ तो ट्रेस नहीं कर सकते थे। तीसरी जगह गए साहब वो लोग, वो जाके गुलाबगढ़ में मारे एक हफ्ते बाद, और 13। और कहा मारे साहब, वो VDC थे हमारे गांवों के अंदर, और वो लड़के अच्छे थे, उनको World War I की राइफलें दे रखी थी वो, कि तुम तब तक होल्ड करो, तब तक तेरी आवाज सुन के ही हम गोली की आ जाएंगे। VDC में गांव पे हमले नहीं हुए साहब, गांव के बाहर जो चरगाहें हैं जहां औरतें बच्चे बूढ़े जाते हैं, गर्मी में याद है ना आपको जब मक्की की फसल लगती है तो सब मवेशी माल लेके ऊपर जाते हैं, 70 साल के बुढ़े, 80 साल की दादी और छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उनको साहब पकड़ा वहां पे, लेटा दिया उसके फ्लोर ऑफ द धोक पे, और उसको राइफल दिखाया, खेला उनके साथ, ये क्या है, ये राइफल है, ये क्या है, ये गोली है, अब खाओ है? और ठट 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 करके वो 13 के 13 मार डाले, छोटे से बच्चे को छोड़ दिया, लगाई लफड़ जोर से कि जा साले वो बख्शी को बता देना, जा बता देना। और साहब बवाल खड़ा हो गया, बख्शी साहब यू शुड पुट इन योर ब्लडी पेपर्स, यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट डू ये वो ये। मैंने कहा हाँ साहब मैं फिट तो नहीं हूं, लेकिन एक चीज मैं भी आपको बता रहा हूं कि इस इलाके को संभालूंगा तो मैं संभालूंगा, दिस इज माई चार्ज, सरकार ने ये मेरे को आदेश दे के भेजा, अब मैं संभालूंगा, मुझे आपकी रीइन्फोर्समेंट नहीं चाहिए। डू यू वॉन्ट एडिशनल ट्रूप्स? मैंने कहा सर अब एडिशनल ट्रूप्स याद आ गए ना, चलो कोई बात नहीं, अब मैं संभालूंगा। And why I will do it is because I did not put in my papers at the time you took out a battalion. और मैं जाके साहब, दो पलटने थी मेरे पास रह गई, 11 राष्ट्रीय राइफल्स, 26 राष्ट्रीय राइफल, बड़ी तगड़ी पलटने हैं इस फौज की, एक कंपनी उससे ली, एक कंपनी उससे ली, एक प्लेटून अपने कैंप से ली, कोई 13-15 गाड़ियों का बड़ा काफला बनाया, 3-ton गाड़ियों का है साहब, और आगे लगाया साइरन, वाह 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 करते मैं वहां पहुंच गया। मैंने कहा साहब कॉर्डन सर्च, तो लड़के मेरे पास आए बोले सर आप जो हुक्म दोगे हम करेंगे, लेकिन यहाँ कोई नहीं मिलना आपको। वो भागे गए, उसको 48 घंटे हो गए सर, वो नहीं है सर। मैं कह तुम नेवर द लेस यू विल डू कॉर्डन एंड सर्च, वी ट्राई एंड फाइंड आउट हु डिड इट, किसने किया ये वो। 2-3 दिन कॉर्डन सर्च हुई साहब, तो वो गांव के सारे बुड्ढे मेरे पास आ गए, साहब जी हमने नहीं किया। तो मैंने कहा यार मैंने बोला तुमने किया, मैं तुमसे सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूँ कि बता दीजिए किसने किया। तो उन्होंने आपस में खुसर पुसर कर कहते सर एक मिनट, और फिर वो सारे के सारे आए कहते साहब हम सब इकट्ठे आपको बोल रहे हैं ताकि हमें बाद में कोई ना बोले कि किसी एक ने मुखबिरी करी, हम सब आपको बता रहे हैं साहब ये अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, इन्होंने ये किया ऐसा, और दो ये गुज्जर गाइड थे ये नाम है उनके, ये लोगों ने आके मारा ऐसा। मैं कहा ठीक है साहब, कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ, लेकिन कल सुबह मैं गुलाबगढ़ के स्कूल में तमाम जो 10-15 गांव आसपास के हैं, ऑल एबल बॉडीड मेल्स फ्रॉम 16 to 60 मेरे को यहाँ चाहिए, और आप लोग आएंगे साथ में। वो आए वहाँ पे, तो मैंने उनको लाशों की ऐसे वहाँ पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लगाया और लाशों की मैंने उनको तस्वीरें दिखाई। ठीक है साहब, और मैंने लेसर पॉइंटर लिया, ये कौन है बताइए, आप जानते हैं साहब ये मुन्नी है, कितने साल की थी साहब, 7 साल की, ये कौन है साहब, ये उसकी बहन है साहब, ये कितने साल की थी, ये तो 5 की थी साहब, ये लड़का कितने का था, ये 8 का था साहब, ये कितने, ये बुढ़ा कितने का था, ये 80 का था, और ये बुढ़िया ये 78 की थी। मौलवी साहब थे वहां पे, वो भी आए थे। मैं कहा मौलवी साहब जरा कुरान शरीफ में एक आयात है,
कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। बोल बिल्कुल है साहब। मैंने कहा आप प्लीज सुना दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल वो अल्फाज नहीं जानता। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया। मैंने कहा आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि अबू मुस्तफा, एक मेरा पैगाम आपने भेजना है मेरे कुछ दोस्तों के नाम। अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर, तुम्हें जहां भागना है तुम भाग लो। हिंदुस्तान की फौज अब हाथ धो के तुम्हारे पीछे है। भागने गए बाकी टेररिस्ट, टू हेल विद द अदर टेररिस्ट। चाहे मुझे एक हफ्ता, चाहे एक महीना, चाहे एक साल लगे, जहन्नम के कोने से मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, क्योंकि तुमने कुरान शरीफ की हुक्म अंजुली करी। तुमको लड़ना है, तुम हमसे लड़ो, हमें लड़ने की तनख्वाह मिलती है। लेकिन ये औरतें बच्चे छोड़ो, अब तुम भुगतोगे इसका, और अल्लाह ताला का तुम जो है खौफ देखोगे। साहब ये खबर पहुंच गई सब जगह कि जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब थे तब, ये बोल के आए हैं। मैंने कहा सब वापस आ जाओ, कॉल ऑफ ऑल ऑपरेशन, कॉल ऑफ ऑल ऑपरेशन, वापस आ जाओ। और बहुत वहाँ जम्मू कश्मीर की वादी में बहुत देशभक्त लोग भी हैं जिनका नाम हम ले नहीं सकते, जो अपनी जान पे खेल के खबर देते हैं हिंदुस्तान की फौज को, कितने रिस्क पे आप नहीं जानते। वो आ गया मेरा लड़का, बोला साहब तूने जो धमकी दी ना बहुत अच्छा किया। तो बोले क्यों? तो बोले साहब अपनी छाया से डर रहे, किसी गांव में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहते, अगर कोई उनकी तरफ देखता है उसकी पिटाई शुरू करते हैं, तो साले मुखबरी करेगा। तो कहता साहब बात यह है कि जिस गांव में जा रहे हैं वहां से खबर आ रही है। मैंने कहा कहानी कॉमेडी बंद कर, अभी किधर है? तो उसने बताया हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, लड़े वो अपनी जान के लिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो घिर गए थे चारों तरफ से। और जैसे ही हमने घेरा डाला, हमको रेडियो पे मैसेज आए टेररिस्टों के, अरे बाप रे, अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर दुश्मन के घेरे में है, फौज के घेरे में है, अरे कुछ करो, ये फौज उनको बहुत बुरा हाल करेगी, बहुत जान की प्यासी हो गई, कुछ बचाओ बचाओ, कुछ फायर खोलो, ये खोलो वो खोलो। हम समझ गए ये वही है। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को भेजा था, मैंने कहा बेटा मैं आ रहा हूं, आई वॉन्ट देम डेड। हमले किए कई सारे, जंगल के बीच में खुला इलाका था जैसे कि फुटबॉल का मैदान, एक इंच कवर नहीं। 3 लड़के थे, हालत पहले 2 मिनट में घायल हुए, एक लड़के की यहाँ पे लगी माथे से और यहाँ से निकल गई, और वो फड़फड़ा रहा है जिंदा। तभी कहते हैं ना हमारे फौजियों के दिमाग नहीं होते, जिंदा फड़फड़ा रहा। तो वो मेरा सीओ हिल गया बेचारा, कहता सर 4 तो मैंने गिरा दिए मेरे, और मैं ऑपरेशन कॉल ऑफ कर रहा हूँ सर, नहीं तो ये बच्चे मर जाएंगे सर। तो मैंने कहा यार तेरे लड़के मैं निकालूंगा, उनको मत जाने देना, कसम तेरे को तू उनको मत जाने देना। उन्होंने किया, मैं कहा आप असॉल्ट असॉल्ट बंद करो, इससे और नुकसान होगा, आप फ्लेम थ्रोअर इस्तेमाल करो, रूसी हथियार है थर्मोबारिक वेपन फ्लेम थ्रोअर। कहता सर कोई सिविलियन हुए तो? मैंने कहा बहुत सीधा, लाउड स्पीकर लीजिए और अनाउंस कर दीजिए कि अगर कोई सिविलियन है प्लीज़ बाहर आ जाइए, हम आपको कुछ नहीं करना चाहते, हाथ खड़े करके बाहर आ जाओ, हम 10 गिन रहे। अंदर से पंजाबी में माँ बहन की गाली आई। तो मैंने कहा यार देख, एक चीज़ तो तय है कि हमारे कश्मीरी भाइयों को पंजाबी में इतनी बढ़िया गाली देनी नहीं आती जितनी यहाँ पे मेरे को भी सुनाई दे रही ये नेट के ऊपर। तो कहता हाँ सर है तो कोई नहीं। तो मैंने कहा तो फिर कर, फिर भी डाउट है तो ये ले मेरे से ऑर्डर, आई ऑर्डर यू टू यूज द फ्लेम थ्रोअर थर्मोबारिक वेपन नाउ, कंप्लाई बिकॉज आई डोंट वॉन्ट मोर कैजुअलिटी टू माई बॉयज। लगाया साहब वो धोक, 400 फुट ऊपर लपटे गई, 400 फुट ऊपर लपटे गई साहब, 2-3 घंटे जल के वो राख, वो सब चीड़ के पेड़ थे, गोंद थी, राख हो गया। 1 घंटा लगा ठंडा होने में। जब हम वहाँ गए तो हमें बॉडी शॉडी तो आप छोड़ दीजिए, हमें हड्डी के चूरे मिले, जहाँ रीढ़ की होती है, मोटी टांग की हड्डी होती है, ये सब थी वहाँ, लाइनें थी। हाँ 3 AK-47 थी जिनका वुडवर्क सारा जल गया और जो बैरल ऐसे मुड़ गया, इतनी गर्मी थी वहां पे साहब, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, AK-47 का बैरल जो सिर पे मारो सिर पट जाता, वो ऐसे मुड़ गया, ठीक है साहब। और मैंने कहा इसकी खूब फोटो खींचो, एविडेंस हमको चाहिए, खूब फोटो खींची। मैंने कहा अब मैं गुलाबगढ़ जाना चाहता हूँ। बोले साहब ये रात हो गई, मेरे को कोई बात नहीं,
उनको बोले सुबह मैं आ रहा हूँ और वहाँ पे सारे गांव वाले मेरे को चाहिए। फिर प्रोजेक्टर लगा, पहले हमने वो लाशें दिखाई औरतें बच्चों की, मैंने कहा अब देख लीजिए मालिक का फैसला, हमारा इंसान कौन होता है मारने वाला, ये मालिक का फैसला है। मैंने कहा ये लोग जल के मरे, सब ऐसे देख रहे थे। मैं कहा ये समझ नहीं आया ना, ये लेसर पॉइंटर लेके, मैं कहा रीढ़ की हड्डी, ये टांग, ये और ये AK-47 देख लो, ये ऐसे हो गई साहब। उस वक्त सब दुनिया वहां ऐसे करके देख रही थी। ये सितंबर 2001 की बात है, लेकिन एक बात है साहब, सितंबर 2001 के बाद वहां पे माइनॉरिटी का एक बंदा नहीं मरा। वो पराक्रम में हमको हटा लिया गया और जब हमारी फौजें जा रही थी तो उस वक्त हमने रेडियो सेट पे इंटरसेप्ट किया, अबे फौज जा रही है। बोले यार बाकी सब कुछ करना, हिंदू नहीं मारना यार, ये तो ये पागल कुत्तों की तरह वापस आ जाएंगे, हिंदू नहीं मारना। और वहां नहीं मारा। अभी पिछले साल एक वो वहां पे हुआ है, वो भी किश्तवाड़ शहर के अंदर, वो भी पता नहीं लोकल था या क्या था, लेकिन वो है। तो साहब तरीका ये है, अगर आपने आपको महाशक्ति कहते हैं तो हम नहीं कहते कि आप चीन जैसे बर्ताव करो, लेकिन जिसके हाथ में हथियार है उसे तो भुगतना होगा साहब, और उसके खिलाफ नरमी करना। और पत्थर भी हथियार। मैं कहता हूं कि ये सारा फसाद का जड़ तब खत्म होगी, माफ कीजिए हरि सिंह साहब गए, जो ये दूसरे खानदान हैं इनको भी जाना पड़ेगा।